भिगनगांव नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष तो भाजपा का उपाध्यक्ष चुना गया। नगर परिषद में कुल 15 पार्षद में से 6 भाजपा के और 6 कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय पार्षदों को जनता ने चुनकर भेजा है। आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव SDM कार्यालय में संपन्न हुआ। अध्यक्ष के भाजपा में सुधा विजय महाजन और कांग्रेस समर्पित पूनम अमित जायसवाल के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पूनम अमित जायसवाल कांग्रेस के समर्थक में विजयी हुई, जिसमें 8 वोट मिले हैं। और दूसरे चरण में उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा से अखिलेश भार्गव और कांग्रेस से रिहाना जाकिर खिलजी के बीच मुकाबला था, जिसमें एक मत की गोपनीयता भंग होने पर दोनों को निरस्त कर दिया गया, जिसमें दोनों को 7-7 वोट मिले। मुकाबला बराबरी का होने के कारण चिट्ठी उठाकर अखिलेश भार्गव को विजयी घोषित किया गया, जिसमें के बाद कांग्रेस विधायक जुमा सोलंकी ने कांग्रेस का परचम लहराकर पूनम अमित जायसवाल का दमदार प्रदर्शन कर विजय जुलूस निकाला। भिगनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी उम्मीदवार पूनम अमित जायसवाल कांग्रेस पार्टी की ही सदस्य थी, कांग्रेस पार्टी की पार्षद बन के जरूर निर्दलीय आई, किंतु कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस ने समर्थन किया और कांग्रेस में ही रहने वाली है। क्या बात है, जीत को क्या जीत, किस प्रकार से जीत को देखते हैं आप? बहुत बड़ी जीत थी। ये हमारे पूरे पार्षदों की जीत, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के साथ रहे। मैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बना हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भिगनगांव के अंदर ऐसा विकास करने की कोशिश करूँगा कि आने वाली जनता, जब भी हमारी परिसर BJP पार्षद उठे तो उन्हें कहना चाहिए कि फिर एक बार ऐसी सरकार हो जो काम कर सके। और मैं आप वादा करता हूँ, मैं भिगनगांव की हर जनता के साथ हूँ, जब बोलेगा जब खड़ा हूँ। पर अध्यक्ष नहीं बना पाई भाजपा, ये हो सकता है कुछ हमारे बारे टूटे होंगे, कुछ चंद लोग में बिक भी जाते हैं कि भाजपा अध्यक्ष नहीं बना पाई। ये हमें नहीं, हमारे पार्टी के कुछ नाराज हो गए काटा, अच्छा नहीं बना पाए, अच्छा निर्दलीय बन गया, निर्दलीय बन गया। वो तो बोल रहे हम कांग्रेस ज्वाइन करनी है, करने तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तो विकास के लिए करेंगे, हमको कोई मतलब है, हमको काम कराना है हम कराएंगे, मतलब भिगनगांव का विकास होगा बस। क्या नाम लिखते हैं पूरा? अखिलेश कुमार भार्गव। मैं अलिया मार। क्या कहना चाहेंगे, आपने भाजपा से बागी रूप में चुनाव लड़ा था, नगर के विकास के लिए जो पार्टी सही है उसी का साथ दिया है हमने। अच्छा, अब जीत हुई है, क्या प्राथमिकता रहेंगी हम सब विकास के लिए? विकास नगर का विकास प्राथमिक। अच्छा, भाजपा में तो नहीं जाएंगी वापस? जी नहीं, विकास जरूरी है, बस विकास करें, भाजपा में तो नहीं जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? पूनम अमित जायसवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।